हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर विचेस क्रिएटिव कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी, और वो पनीर जो कि हमारा दूध ख़राब हो गया था उससे हमने बनाया पनीर और उसको जमा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कपड़े में। और फिर ये बहुत ही अच्छा जमा, और फिर हमने इसको, मैं आपको बताऊंगी कि इसके स्लाइसेस बड़े अच्छे कटे, और फिर मैंने इसकी बनाई भुर्जी, इसको मैश कर दिया। और उसके लिए मुझे यहाँ पर प्याज की ज़रूरत थी, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आलू ऐड किया, और मैंने किया यहाँ पर अदरक को क्रश, टमाटर लिया, और फिर हमने यहाँ पे अपने मसाले लिए। यहाँ पे मैं सरसों का तेल गरम कर रही हूँ, और इसी के अंदर हम बनाएंगे भुर्जी को, तड़का लगाएंगे, और इसमें हम डालेंगे जो भी हमें मसाले चाहिए, जैसे लहसुन अदरक को मैंने क्रश करके रखा है उसको डालेंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है ज़ीरा, और ज़ीरा थोड़ा सा हो गया लाल। उसके बाद हमने डाला है कटा हुआ प्याज, तो प्याज मैंने ऐसे ज़्यादा बारीक नहीं करा है, बस ऐसे थोड़ा मोटा मोटा मीडियम सा काटा है। और फिर इसको हम लाइट ब्राउन सा होने देंगे, और लाइट ब्राउन होने के बाद इसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि इसके अच्छे स्लाइसेस बन जाते हैं जो हम घर पे पनीर जमाते हैं। तो इस पनीर को मैंने खैर स्लाइसेस में नहीं बनाना है, क्यूब्स में नहीं बनाना है, मैं इसको करूँगी हैंड से मैश्ड, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसकी अच्छे से भुर्जी। और भुर्जी बहुत ही बढ़िया बनती है, अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं घर के पनीर की भुर्जी को। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए एकदम अच्छा परफेक्ट क्यूब उसमें से निकला है। और दूसरी तरफ हमारा जो तड़का है वो हो गया है तैयार ऑलमोस्ट। इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ अदरक, और आप चाहें तो इसके साथ साथ थोड़ी सी, अगर आपके पास ड्राई मेथी है तो वो भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे हम डालेंगे उसके बाद टमाटर, और फिर हम तड़के को भूनने देंगे, साथ साथ हम ऐड करेंगे इसमें मसाले, हल्दी डाल दी जैसे आपके सामने, और स्वाद अनुसार हमने डाला है नमक। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ सूखी मिर्चें, डालनी तो वैसे मैंने पहले थी तड़के में, मतलब तेल में अगर भूनी जाए तो बहुत अच्छी है, पर पहले मैंने नहीं डाली, और फिर उसके बाद मैंने अब डाली है। और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो पक जाएं, क्योंकि आलू में ही देर लगती है। और यहाँ पर हमारे आलू भी पक गए, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, और उसको फिर मैं मैश कर दूँगी अच्छे से। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसके साथ ही मैश कर रही हूँ, और बस फिर उसके बाद हमारी जो भुर्जी है वो तैयार हो जाएगी, और फिर हम इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी आप खाना चाहते हैं। तो बस इसको अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस सिम फ्लेम पे 5 मिनट, 4 से 5 मिनट रखेंगे और फिर तैयार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।